आज से आपके डिमांड पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक से, और वो बेसिक से क्या, तो स्पीकिंग क्लास का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया है, बहुत से बच्चे ने मैसेज किया कि सर स्पीकिंग करना नहीं चाह रहे हम लोग, स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो स्पीकिंग करना नहीं आ रहा, हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो स्पीकिंग करने के लिए आप घर बैठे आप अभी से बोलना शुरू करो अंग्रेजी, और उसके लिए हमने एक सीरीज आज से मैं दे रहा हूँ। ये सीरीज आपको वीक में 3 डेज मिलेगा, पहले भी किया था लेकिन ये सीरीज एक अलग तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बोलना आ जाएगा। घर बैठ करके बस मोबाइल होना चाहिए और आप आज से और अभी से बोलना शुरू कर दो, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपका धर्मेंद्र सर आपको DSL में स्वागत करता हूं, और शुरू करते हैं क्लास लेकर के घर बैठ के बोलना शुरू करते हैं अंग्रेजी, और कैसे शुरू करेंगे वो ध्यान दीजिए। आपको मैं बताऊं तो आज आपका मैं क्लास 1 ले रहा हूं, ठीक है बेटा, क्लास फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्लास से इसको ध्यान देना है आपको, ये तब तक देखना है जब तक कि लास्ट क्लास तक ना हो जाए, और इसके लिए क्या करना है वो ध्यान देना। आज बिगिनिंग, फिर कल थोड़ा एडवांस, भी इस तरह से आप फील करोगे कि विद इन 10 डेज यानी 10 क्लासेज में आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आपको 3-4 महीने मेरे साथ चलने होंगे, तब आप एबल हो जाओगे कुछ भी बोलने के लिए। सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं के सीरीज किन के लिए है। बेटा यह सीरीज उन मेरे दोस्तों के लिए है, उन भाई बंधुओं के लिए है जो घर में मजबूर हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो घर में बंधे हैं, लड़कियां हैं वो कहीं मान लो साउथ में है, तमिलनाडु में है, बिहार के ऐसे गांव में है जहां पे दिल्ली नहीं आ पाए, जिनके पास कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है वो भी दिल्ली नहीं आ पाएंगे, लेकिन अंग्रेजी वो बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो हर एक जितने क्लास में दूंगा, हर एक क्लास में 2-2 स्टेप होंगे। आज क्लास फर्स्ट है तो आज भी 2 स्टेप होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्टेप वन में वो क्या करना है वो समझना। सबसे पहला काम बेटा, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी, आज से ध्यान दो, आज से और अभी से, आप देख रहे हो वीडियो, आज से और अभी से कुछ भी बोलो अंग्रेजी में बोलो, कुछ भी बोलो अंग्रेजी में बोलो। आप बोलते हो सर नहीं आता, गोल हो गया, नहीं आता सर, कुछ भी बोलो अंग्रेजी बोलो, नहीं आता सर कैसे बोलू, तुम बोलो तो सही, क्या बोलो, पेन बोलो। आपने बोला कुछ भी बोलो अंग्रेजी बोलो, और क्या बोलो, वर्ड। स्टेप वन में आप वर्ड बोलो इंग्लिश में, आप कोई भी वर्ड बोलो अंग्रेजी में बोलो। जैसे तुम्हें मान लो एक वर्ड लिया तुमने मदर, एक वर्ड क्या लिया मदर, अब मदर से लेकर के जितने भी मदर के वर्ड हैं तुम अंग्रेजी में बोलो, जो मन करता हो तुम बोलो। मान लो तुम्हें बोल दिया मैटर्नल, अब मैटर्नल से बोले तुमने मैटर्नल सिस्टर, अब मदर मैटर्नल, मदर से बनाया मैटर्नल, मैटर्नल सिस्टर माता की बहन मतलब हो गई मौसी, क्लियर। तुमने मैटर्नल से बोल दिया मैटर्नल अंकल मतलब हो गया मामू मामा, क्लियर। आपने वर्ड बोल दिया, एक वर्ड ले लो मैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटर्नल ग्रैंड फादर ये हो गया नाना, देख रहे हो। तो आप अंग्रेजी आज से बोलो, आपको नाना नहीं बोलना, आपको मौसी नहीं बोलना, आपको मामा नहीं बोलना, यू हैव टू से मैटर्नल अंकल, मैटर्नल सिस्टर, मैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटर्नल ग्रैंड मदर। और देखो ना, मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आएगा, मैटर्नल ग्रैंड मदर, तो मैटर्नल ग्रैंड मदर क्या हो गई, नानी। अब आप जो है, जब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो किसी वर्ड का अंग्रेजी नहीं आता, तो सबसे पहले एक एक वर्ड चलना सीखो। अब एक दिन में तूफान बोलना नहीं आएगा कि एक ही दिन शुरू हुआ अंग्रेजी में निकलना शुरू, वो कोई कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल जो दे रहा हूं धीरे धीरे डोज लो, आज एक डोज लो, कल एक डोज लो, धीरे धीरे डोज लो। हमने कहा पहले एक एक वर्ड बोलना सीखना है, हमने कहा मदर वर्ड लिया, मैटर्नल सिस्टर बोला, मैटर्नल अंकल बोला, मैटर्नल ग्रैंड फादर बोला, मैटर्नल ग्रैंड मदर बोला, तो आपने देखा नाना भी हो गई, नानी भी हो गए, मामा भी हो गए, मौसी भी हो गए, तो हर तरह के वर्ड हो गए यहां पर। और देखो ना, हमने यहां पर ले लिया मैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटर, ठीक है बेटा। और देखो बट इसी तरह से तुम ले लो फादर, क्या ले लो फादर, अब फादर से बोल दो, फादर से बोल दो पैटर्नल, खुद से सोच लो पैटर्नल, अब पैटर्नल बोल दो पैटर्नल अंकल, ठीक है, तो पैटर्नल अंकल बोल दिया हो गया चाचा,
राइट, पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल दिया, पैटर्नल ग्रैंड मदर बोल दिया। तो आप हर तरह की चीज को आप बोलने का प्रयास करो अंग्रेजी में, तब आपका अंग्रेजी आसान हो जाएगा। इस तरह से आपको बोलना है भतीजा, कोई भी चीज आपको हिंदी बोलना ही नहीं है। यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ, यू डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। व्हाट यू हैव टू इमेजिन, वंस अगेन यू हैव टू से यू डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, ओनली यू नो इंग्लिश। लाइक दैट तुम्हें बोलना है भतीजा, तुम बोल दो नेफ्यू। तुम्हें बोलना है भतीजा, तुम बोल दो नेफ्यू। तुम्हें बोलना है भतीजी, तुम बोल दो, अब इसको नाइस मत पढ़ना, नीस। नीस मतलब भतीजी। भतीजी भी होता है, भांजी भी होता है, नेफी यानी PHEW, नेफू भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है। तो एक वर्ड आप जानोगे क्या बोलना है, नीस। नीस मतलब भतीजी भी, नीस मतलब भांजी भी। तो आपको एक वर्ड बोलना है, हिंदी नहीं सोचना, आपको एक एक वर्ड, जब एक एक वर्ड बोलना शुरू करोगे, आपने बोला मेरा सगा है, अब OWN, ओन मतलब अपना, लेकिन तुम बोल सकते हो सगा, नहीं बोलते मेरा सगा भाई, ओन ब्रदर, सगा नहीं बोलते, सगा बिहार में यूपी में क्या बोलते, मेरा सगा है। सगा मतलब क्या, अपनापन जिससे हो रहा है, तो मेरा ओन है। तो इस तरह के वर्ड आप डिराइव करके, निकाल करके नए नए वर्ड्स बोल सकते हो। ये दुकानदार पर जा रहे हो तो दुकानदार मत बोलो, शॉपकीपर बोलो। क्या बोलो, शॉपकीपर बोलो, दुकानदार। आपको बोलना रिटेलर, खुदरा व्यापारी है जो आपको सामान देता है, रिटेलर है। तो आप हर चीज को, मैं आपको एरिया दे रहा हूं, जब एरिया दे रहा हूं तो इस तरह से उस एरियाज को बांटना है। आपको बोलना है बरसात ऋतु है, आप बोलो रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। आप बोलते हो कि सोमवार का दिन है, बेटा मैं तुमसे बात कर रहा हूं आज, आज तुम्हारा कमेंट पढ़ा हूं और कमेंट पढ़ करके मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। आप हमेशा कहते हो कि सर अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा, बेटा प्रयास करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग चलना नहीं आ रहा, तो चलना सीखो। आप चलोगे तब तो चलना आएगा, आप बोलोगे तब तो बोलना आएगा। हम लोग दिमाग में हिंदी ठूसा ठूसा पड़ा है, हिंदी दिमाग में एडजस्ट किया हुआ है, हर चीज में हिंदी। सोमवार का दिन आया, क्यों बोलते हो सोमवार, मंडे बोलो ना कि मंडे दिन है, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है, इट इज ट्यूजडे टुडे, इट इज संडे टुडे। आप बोलो इस तरह से, संडे मंडे ट्यूजडे, हम बोलते हैं सोमवार रविवार एतबार, ऐसा नहीं बोलना। आपको अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो बेटा, तो आज मैं पहला क्लास दे रहा हूं, और पहला क्लास में दे रहा हूं कि आपको एक एक वर्ड अंग्रेजी में बोलना है, एक एक शब्द अंग्रेजी में बोलना है। और शब्द क्या है वो देखो, जैसे तुम बोलना है आंट, आंटी, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, राइट। इस तरह से मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, वेंसडे, सैटरडे। आपको बोलना है समर, विंटर, ऑटम, इस तरह से वर्ड बोलोगे तो अब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हुआ। आपको बोलना है टुमारो, आपको बोलना है स्टरडे, आपको बोलना है वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, राइट, आई गेव यू ऑर्डर। तो आप एक एक वर्ड, और एक एक वर्ड जब बोलना सीख जाओगे, इस तरह से आपका काम और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग काम शुरू करेंगे। इसके बाद आप जब किसी से मिलो, राइट, यहां पर मैं स्टेप टू दे रहा हूं, किसी से मिलो, Whenever you meet any person, जिससे भी मिलो, try, कोशिश करो उसे अंग्रेजी बोलने का। मत सोचो कि वो बोलेगा, ये मत सोचो कि गलती बोलोगे, ये अभी मत सोचो कि वो क्या सोचेगा। Are you getting? जैसे तुम्हारा पर्पस, अपने पर्पस डिसाइड करो, पर्पस तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, डिसाइड कर लो। तुम्हारा पर्पस है स्पीक इंग्लिश, तुम्हारा पर्पस अंग्रेजी बोलना। तो व्हेनेवर यू मीट एनीबडी एल्स, किसी कोई व्यक्ति मिले, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ देम। सबसे पहले बेटा उसके पहले अंग्रेजी बोलो। किसी व्यक्ति से मिलो, यू मीट एनी पर्सन, एट फर्स्ट यू शुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ हिम। तुम्हारा पर्पस क्या है, अंग्रेजी बोलना, तो बोलो अंग्रेजी। नेवर थिंक आइदर राइट और रॉन्ग, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, बोलो। जैसे आप ससुर किसी से मिलो तो आप को किसी ने कहा यार तुम इधर दिख नहीं रहा था, बोलो यार आई वॉज बिजी। तुम आजकल दिख रहे हो, आई एम बिजी। तो कुछ भी बोलना, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, मैं बिजी था, बिजी हूं, आई एम बिजी, यू आर बिजी, ही इज बिजी। तो इस तरह से जो मर्जी हो आप बोलो, हमेशा ध्यान दो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में कुछ गलती बोल जाते हैं बेटा। अब गलत क्या बोलते हैं वो ध्यान देना। हम लोग बोल जाते हैं
कि माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ धर्मेंद्र। तो बेटा ध्यान देना, अंग्रेजी में जो मैं सिखा, जो धर्मेंद्र से सिखा रहे हैं, अंग्रेजी ऐसा मत बोलना। आपको बोलना है किसी से हाथ मिलाया, आपने बोला माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ धर्मेंद्र, माई सेल्फ धर्मेंद्र, गलत अंग्रेजी है। ऐसे अंग्रेजी को काट देना है, गलत कॉन्सेप्ट। आपको सेल्फ प्रोनाउन, अंग्रेजी राइट बोलना है, सेल्फ लिखा हुआ है और सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। आपको बोलना है सीधा, बोलो आई एम सुधीर। कभी भी बोलचाल में माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करते, इसलिए माई सेल्फ से अंग्रेजी बोलना गलत होगा। इसलिए लोकल छाप और सड़क छाप पे पढ़ रहे हो तो उसको काट देना। माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता। आई डोंट नो हु टीचिंग यू, कौन तुम्हें पढ़ाता मुझे नहीं पता। इसलिए ऑलवेज माइंड दैट वन थिंग, और वन थिंग इज दैट माई सेल्फ वर्ड इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट। सेल्फ प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता, इसको ध्यान देना। कुछ गलतियां हम लोग नहीं करते। सपोज दैट हम लोग इंटरव्यू कक्ष में गए हुए हैं और वहां क्वेश्चन पूछा हु आर यू, हमने बोला माई सेल्फ सुधीर, गलत बोल दिया हमने। तो माई सेल्फ इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट। सेल्फ प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता। आई एम सुधीर, माई नेम इज सुधीर, क्लियर। आई एम सुधीर, माय नेम इज सुधीर, आई एम धर्मेंद्र, माय नेम इज धर्मेंद्र। बहुत शौक है सेल्फ बोलने का, तो बोल सकते हो आई माई सेल्फ एम सुधीर, आई माई सेल्फ एम धर्मेंद्र, आई माई सेल्फ एम गीता, आई माई सेल्फ एम रीता, आई माई सेल्फ एम धर्मेंद्र, राइट। तो यहां पे माई सेल्फ सबीर के साथ होता है। अगर आप बोलना चाहो तो यहां पे थोड़ा सा इम्फेटिक हो गया, स्ट्रेस हो गया, कर सकते हो, बट माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं करता। यह भी ध्यान देना बेटा, एक एक बात ध्यान देना। और हां, मैं एक खास बात कहूंगा, आप सबों से मुझे खासा लगाव है क्योंकि आप हर बच्चों की मदद कर रहे हो शेयर करके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि सारे बच्चों को आप कर रहे हो, मुझे ज्ञान मिल रहा है। सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने 50 को शेयर किया, YouTube पे शेयर किया, Facebook शेयर किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, क्योंकि सबको आप सिखा रहे हो अंग्रेजी। मैं तो आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आप पूरे भारत में क्रांति फैला रहे हो, और इसके लिए मुझे बहुत आपके लिए प्यार उमड़ता है, ताकि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। आगे देखिए, हमने कहा बेटा कि मान लो कुछ अपने बारे में बोलना है, कुछ अपने बारे में बोलना चाहता हूं मैं, तो हमने कहा कि I would like to tell you something about myself. ठीक है, तो I would like to tell you something about myself. तो हमने क्या कहा कि I would like to tell you, मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो अपने बारे में बोला तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट इज आई वेंट टू मार्केट स्टडी। तो जो भी आप कहना चाहो आए, आप बोलो कि मैं अपने बारे में तो बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। इसी लाइन को तुम दूसरे शब्द कह सकते हो कि लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आप बोल सकते हो अंग्रेजी, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। इसी लाइन को तीसरे तरह से बोल सकते हो, इसी लाइन को, एक ही लाइन को चार तरह से, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक बेटा, इसी बोल सकते हो। या बोल सकते हो आप चौथा लाइन, आई एम गोना, एक हुआ लेट मी टेल यू, आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा कि एक सेंटेंस को आप कई तरह से बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि जितना वीडियो मैं दूं वो सारे वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहो, एक एक स्टेप में दूंगा। इच्छा तो होती है कि एक ही दिन सब पढ़ा दूं, लेकिन एक ही दिन में सब आपको नहीं आ पाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि आप देखो, और अगर जरूरत पड़े तो एक बार दिल्ली आ जाओ ना, एक बार फाउंडेशन कोर्स कर ही लेते हैं ना बढ़िया से, जिसमें राइटिंग भी हो, स्पीकिंग भी हो, ग्रामर भी हो, एग्जाम भी हो, SSC हो, CPO हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो, एक बार कर लेते हैं। तो आज मैं यहीं पर दूंगा Class 1, फिर अभी आपको दूंगा, कल Class 2 दूंगा, फिर Class 3 दूंगा, तो हर दिन आपको दूंगा। इस तरह से एक पॉइंट देता रहूंगा, आप सीखते रहो और पढ़ते रहो, मेरा हमेशा सहयोग आपके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।